Hey guys, this is Khurapati Bros and welcome back to my channel. तो guys, ये है हमारी Petro Beretta M9 model और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग. तो guys, चलिए कर लेते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या मिल जाता है. तो guys, कुछ इस तरह की पैकिंग होती है, आपको ऊपर बबल रैप मिलेगा ताकि ये ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो. आपको बॉक्स दिखाता हूँ गाइस, कुछ बॉक्स इस तरफ का है. यहाँ पे आपको Petro Beretta US 9mm M9 मॉडल पिस्टल लाइटर, ये लाइटर है गाइस. और यहाँ आप देख सकते हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ है और बॉक्स में मेड इन चाइना सेम इस साइड पे भी लिखा हुआ है और बॉक्स में ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं गाइस. तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं अंदर हमको मिलता क्या क्या है इसके साथ में. तो यहाँ से ये होगी ओपन. तो गाइस, यहाँ पे हमको मिलता है सबसे पहला इसका स्टैंड. स्टैंड को हम रखते हैं साइड में और देखते हैं पिस्टल को. तो गाइस देखिए कितनी सॉलिड पिस्टल है, बिल्कुल लुक लाइक रियल है. सिंपल सी पैकिंग में आता है ये, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का. आप फिनिशिंग देख के समझ सकते हैं गाइस, कोई भी पिस्टल को देख के ये नहीं बोल सकता कि ये एक लाइटर पिस्टल है और लो क्वालिटी की, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता. आप देखिए बिल्कुल रियल जैसा दिख रहा है मुझे, तो जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल रियल जैसा ही लग रहा है मुझे. इसमें मैगजीन का कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, यहाँ से आप मैगजीन निकाल सकें, सिंपली इसको दबाना होता है. यहाँ पर पुल बैक ऑप्शन ऐसे मिलेगा, ये पूरा पुल नहीं होता है. ये है इसकी हैमर और गाइस देखेंगे पूरी की पूरी ये जो है क्रोम है. यहाँ पर लिखा हुआ US 9mm M9 Petro Beretta. और ये जो फीचर्स यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ओरिजिनल पिस्टल में होता है सिंगल डबल एक्शन है ये, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है. ये जो फीचर्स होते हैं ये सिर्फ जो है आपको लुक के लिए है, सिर्फ देखने के लिए ये सारे फीचर्स जो इसके वर्क नहीं करते हैं. और ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी है गाइस. पहले जो लाइटर्स आती थी आपको पता है बहुत ज़्यादा छोटी होती थी, जिनको आप पकड़ो तो बिल्कुल इतनी सी रहती थी या इतनी बड़ी बच्चों के जैसे दिखती थी. अभी जो पिस्टल्स आ रही हैं वो देखिए बिल्कुल रियल लुक दे रही है आपको, चाहे ऊपर से डिज़ाइन की बात करें या इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे. मुझे पकड़ने के बाद गाइस ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने जो है एक लाइटर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल रियल फील आ रही है मुझे. तो यहाँ पे ग्रिप भी इतना इसका अच्छा है. यहाँ पे रियल पिस्टल में जैसा होता है फोक वगैरह लगा के बेल्ट में या कैरी बैग में आप इसको रख सकते हैं. और गाइस ये पुल होता है थोड़ा सा कुछ इस तरह से, हल्का सा आप इसको पुल कर सकते हैं और इस तरह से आपको दबाना होता और यहाँ से जो है फ्लेम आपकी बाहर आती है. और वेट की हम बात करें गाइस, इसकी वेट तो तकरीबन मेरे हिसाब से 400 ग्राम मुझे लग रहा है, ज़्यादा नहीं है वेट. क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ग्रिप भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है और साउंड कुछ इस तरह से करता है और ये कंटिन्यू चलती है, देख सकते हैं आप कंटिन्यू ऐसे चला सकते हैं. ऊपर का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो इसका साइलेंसर है या आप कह लें बैरल है इसकी, ये बैरल जो है फुली मेटल है. बाकी जो पार्ट्स हैं इसके फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी के पूरे पार्ट जो हैं इसके प्लास्टिक के हैं. और गाइस यहाँ से आप इसको जो है रिफ़िल कर सकते हो, ये लाइटर है मैं जैसे कि मैंने बताया, तो इस जगह से आप इसको रिफ़िल कर सकते हो. मैं आपको पूरा व्यू देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना. तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. और आते हैं आप इसके स्टैंड के पास, जो कि स्टैंड कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है. यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे इसको लगाना है ऐसे, और आप इसको गाइस कुछ इस तरह से अपने घर में ऐसे सजा के रख सकते हैं. ये देखिए ऐसे आप अपने घर में आराम से इसको बहुत ही बढ़िया सजा के रख सकते हैं, शो पीस के लिए, ये जैसा भी आप चाहें, या लाइटर कलेक्शन, जो लाइटर कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है ये. पहले जो आती थी गाइस वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता था छोटा से एकदम, अभी तो बिल्कुल रियल लुक मिल रही है आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. तो गाइस अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सॉरी लिंक नहीं है, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके बाय कर सकते हैं. और कमेंट सेक्शन पे भी मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बाय कर सकते हैं. तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.